नमस्ते दोस्तों, आज हम कड़ी पत्ता के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि कड़ी पत्ता इतना घना कैसे हो जाता है, तो चलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, कड़ी पत्ता फरवरी माह में आप ये काम करें, आपका कड़ी पत्ता एकदम हरा भरा हो जाएगा। आप जैसे देख पा रहे हैं, देखिए फरवरी माह में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखिए जैसे फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है इसमें, ये जैसे देख पा रहे हैं आप लोग इसमें, और ये देखिए मेरे पास कई सारा प्लांट है, ये देखिए इसमें शुरू हो गई है इसमें, ये आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले ये देखिए फ्लावरिंग आ रही है, तो सबसे पहले हमें इस फ्लावरिंग को कट करना है। ये देखिए ये फ्लावरिंग को हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। देखिए ये सारे जितने भी फ्लावरिंग आ रही है इसमें, सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे, ताकि हमारा ग्रोथ, सारा जो पौधे का जो सारा पोषण है वो इन फ्लावरों पे ना आकर इसकी जो स्टेम है, जो इसकी पत्तियों की ग्रोथ है उस पर ये सारा सेंटर हो जाए। देखिए हमारे पास ये देखिए जैसे देख पा रहे हैं, ये देखिए देखिए जैसे आप देखिए कैसे फ्लावरिंग है जो आ रही है हमारी, इसको हम लोग साइड कर देंगे। जितनी भी इसकी ग्रोथ आ रही है, जितनी भी देखिए बड़ी जो स्टेम है, पहली जो स्टेम है, इसके हम लोग तोड़ के रख लेंगे। फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए सरसों की जो खल है उसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ये इसको हम अपने कड़ी पत्ता में डालेंगे। ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है, इससे पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए हमें इसको कड़ी पत्ता में ज़रूर डालना चाहिए, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में भी हम लोग डालते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक गमले में लगभग 2 चम्मच के आसपास हम लोग इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पहले गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करने के बाद में इसमें थोड़ी सी डालेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें, या जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है नीम के जो पेड़ की जो छाल होती है, ये देखिए सूखी हुई, एकदम सूखी हुई छाल है, इसको हम लोग कई पीसेस में जैसे तोड़ लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग इसको इस पौधे में डालेंगे, इससे हमें हमारे पौधे को फंगल इन्फेक्शन होने से ही हमें बचाता है। देखिए तो चलिए इसमें पहले गुड़ाई करते हैं। इसमें गुड़ाई करने के बाद में इसमें हम लोग थोड़ी सी नीम की खल डालेंगे, और थोड़ी सी सरसों की जो खल है जिसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है उसको डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग इसको रख देंगे। मार्च के महीने में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, इसकी जो स्टेम है साइड साइड से निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये एक स्टेम थी, इसको मैंने यहाँ से कट किया था, देखिए यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए दो स्टेम में बटी हुई, यहाँ से मैंने कट किया था इसको, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक और एक दो, और इसको मैंने यहाँ से कट किया था, ये देखिए इसमें से कितनी सारी स्टेम आ रही है। तो आप भी ऐसा करके अपने कड़ी पत्ता को हरा भरा बना सकते हैं। और देखिए पानी डालने के बाद में आप इसको किसी भी प्लांट से, देखिए हम इसको मल्चिंग जरूर करें, ताकि आपके प्लांट की में जो मॉइस्चर है वो हमेशा रिटेन रहे। देखिए मेरे पास ये टर्टल वाइन है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये टर्टल वाइन मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं इनको पौधों के मल्चिंग के रूप में यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे पौधे हरे भरे रहें और उन पर मेरे टर्टल वाइन भी ईजिली ग्रोथ होती रहे। तो आप मल्चिंग ज़रूर करें, ताकि इससे आपके पौधों में नमी बरकरार रहे। ये कड़ी पत्ते को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो जैसे ये भूसा होता है, ये मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, कहीं किसी मार्केट में कहीं पर भी, आप इसको ऐसे करके इसे अपने कड़ी पत्ते को इसमें मल्चिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ताकि इसमें मॉइस्चर हमेशा रिटेन रहे। और इस तरीके से आप अपने कड़ी पत्ता पर आप अपने स्प्रिंकल करते रहिए, ताकि इसके पत्ते साफ होते रहे और इसकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो ये स्प्रिंकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके पार्टों में दिखाऊंगा मैं आपको कि ये पौधा जब कटिंग के बाद में इसकी ग्रोथ कैसे होती है, मार्च अप्रैल के बारिश के महीने में इसकी ग्रोथ कैसे होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।